राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा इन दिनों पिथौरागढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियां मीडिया के सामने साझा की है। प्रदीप टम्टा ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत चीन की सीमा तक आल वेदर रोड न बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कनेक्टिविटी का हवाला देते हुए पिथौरागढ़ में बने हवाई अड्डे में उड़ान न होना भी बीजेपी सरकार के मत थे डाला है। टम्टा ने कहा कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सकेंगे, कहने वाली सरकार सीमांत जिले में हवाई सेवा नहीं कर पा रही है। प्रदीप टम्टा ने बीजेपी के खंडूरी है जरूरी नारे की बात करते हुए चुटकी ली। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप होना बताते हुए कहा कि बीजेपी के पास आगामी चुनाव के लिए कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से हरीश रावत को मुख्य चेहरा बताया। पिथौरागढ़ चंपावत हमारे वैसे बहुत ही सीमांत।